आज आपको एक और इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाले हैं और ये है छत्तीसगढ़ में जो पुलिस विभाग द्वारा नया विज्ञापन जारी किया गया जिसमें सब इंस्पेक्टर के पद हैं। इसके संबंध में, इसके विज्ञापन के संबंध में हमने पहले ही आपको जानकारी दे दी है, लेकिन आज जो हम जानकारी देंगे वो किनके किनके लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो आरक्षित वर्ग हैं उसके लिए तो है ही है, इसके अलावा महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। हम बात कर रहे हैं आरक्षण के बारे में। जी हाँ, छत्तीसगढ़ एसआई भर्ती में आरक्षण का जो व्यवस्था किया गया है उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में और कर्मचारी जो पहले से ही भर्ती हो चुके हैं उसके लिए भी बड़ी अच्छी अवसर रहेगी और ये क्या है वो जानते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पोस्ट के बारे में यहाँ पर आ चुका है आरक्षण। छत्तीसगढ़ के शासन के निर्देशानुसार जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए 10% और टोटल पोस्ट लगभग हम मान लेते हैं कितना पोस्ट है, 975। हम इसे 975 के अनुसार 1000 के अनुसार माने तो 10%, तो 10% 100 पोस्ट है तो इसमें से भूतपूर्व सैनिक के लिए हो जाते हैं। जी हाँ, और विभागीय कर्मचारियों के लिए 5% का आरक्षण है। इसमें देखेंगे विभागीय कर्मचारी के लिए 5% और इसी तरह महिलाओं के लिए इसमें 30% का आरक्षण है। तो इस तरह से इसमें व्यवस्था किया गया है और महिलाओं को प्लाटून कमांडर पद के लिए पात्रता नहीं किया गया है, लेकिन बाकी सभी पद के लिए वो इसमें आवेदन कर सकेंगे। जी हाँ, सभी पद के लिए जैसे कि यहाँ देखेंगे सूबेदार है, उपनिरीक्षक है, उपनिरीक्षक विशेष शाखा, हालांकि प्लाटून कमांडर में महिलाएं आवेदन नहीं कर सकती, बाकी में लेकिन कर सकती हैं, निश्चित योग्यता रखता है। तो आरक्षण के बारे में ही आज आपको जानकारी देना था। अगर पुलिस विभाग में आप पहले से ही कार्यरत हैं तब भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, आपको 5% इसमें आरक्षण मिलेगा और महिलाओं के लिए तो बहुत ही अच्छा अवसर है। 30% दिया हुआ है समस्त स्तर और प्रभागवार कहने का अर्थ, यहाँ पर प्रभागवार यहाँ पर बांट दिया, देख सकते हैं अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, सभी तो सभी में ही आपको ऐसे ही आरक्षण मिलेंगे। उदाहरण के तौर पर हम प्लाटून कमांडर में कहें, प्लाटून कमांडर का 10% हम निकालेंगे तो 10 पोस्ट हो जाता है, अगर हम 5 पोस्ट निकालेंगे तो 5 पोस्ट हो जाता है। इसी तरह अनुसूचित जनजाति का हम 29 का पहले 5% निकालेंगे, 10% निकालेंगे, तो इस तरह से प्रभागवार यहाँ दिया हुआ है, देख सकते हैं सम स्तर और प्रभागवार में आरक्षण रहेगा। तो आज इतना ही जानकारी देना था आपको, जो भी डाउट हो रहा होगा इसके संबंध में उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, उसका हमें रिप्लाई करेंगे और आपको जो डाउट रहेगा उसको क्लियर करेंगे। जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो पर। एस जी पुलिस का वैकेंसी निकाला गया जो कि जिसका आवेदन 1/10/2021 से होगा, तो आप आवेदन नहीं किए हैं, अगर आवेदन स्टार्ट अभी नहीं हुआ है, आवेदन जैसे स्टार्ट हो जाएगा आप आवेदन इसमें कर सकते हैं।